वो प्रैक्टिकल का शेड्यूल माइक्रो की वो लैब, वो सरफेस डिसइंफेक्शन टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन, वो मैम का कहना कि प्लेट्स फॉर इंक्यूबेशन, किसी सीनियर का पूछना डिड यू कंप्लीट द स्टरलाइजेशन, वो आउटडोर और इंडोर में की गई सैंपलिंग और उसी सैंपलिंग का असेप्टिक इनोकुलेशन, दूसरे दिन की चिंता कि क्या होंगे ऑब्जर्वेशन, वो आइसोलेटेड कॉलोनी और न्यूट्रिएंट अगार प्लेट, वो सर का पूछना व्हाई आर यू लेट, उस आइसोलेटेड प्योर कल्चर का फिर सस्पेंशन बनाना, ग्राम स्ट्रेनिंग की स्लाइड को प्रोफेसर को दिखाना, ब्लू और पर्पल इज ग्राम पॉजिटिव, रेड और पिंक इज ग्राम नेगेटिव, वो माइक्रोस्कोप खराब है का पुराना बहाना, तेरी स्लाइड में क्या दिख रहा जरा मुझे भी तो दिखाना, फिर उस कल्चर की बायोकेमिकल की टेस्ट लगाना, ऑक्सीडेज कैटलेज अमाइलेज इम्विक जैसी टेस्ट का मीडिया बनाना, फिर उस टेस्ट ऑर्गेनिज्म को इनमें असेप्टिकली इनोकुलेट करना, बर्गीज मैनुअल के पन्नों में उसका जीनस ढूंढ निकालना, ऑब्जर्वेशन रिजल्ट्स और उसका इंटरप्रिटेशन, कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो तो उसका कैलकुलेशन, हर प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट के प्रिंसिपल लर्न करने का टेंशन, सब कंप्लीट होने पर वो वाइवा के क्वेश्चंस, उस वाइवा में पूछा गया हु व्हाट और हाउ, और सब कुछ खत्म होने पर दिल से निकला वो वाओ, माइक्रोब्स की वजह से ही बिगड़ी है ये बात, साइंटिस्ट भी कर रहे हैं रिसर्च दिन रात, बिटवीन द टू बर्नर्स मिलेंगे फिर से सब, यही हाइपोथेसिस है बस, एक्सेप्ट करे इसे ये रब।